नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गोयल और आप देख रहे हैं हमारा मीडिया चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज। दोस्तों, आज अवैध शराब को लेकर आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि अंबाला शहर के अंदर पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग ने अवैध शराब बेचने वाले पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक्साइज विभाग अलग अलग जगह पर शराब के जो अवैध कारोबार करते हैं उनको लेकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, और इसी बात को लेकर एक गुप्त सूचना के आधार पर एक्साइज विभाग ने एक छापेमारी की। हाँ, गुप्त सूचना के आधार पर गांव मछोंडा में हमने रेड की, तो एक कबाड़ रूपी दुकान के अंदर अवैध रूप से रखी हुई 28 बोतल, 15 आते और 38 पौए थे। वहाँ पर एक आदमी भी मिला। एक्साइज इंस्पेक्टर रोशन लाल ने शिकायत दी है, उसने FIR दर्ज कराई है। उन्होंने एक रोशन लाल वासी कुलदीप नगरम के खिलाफ, वृद्ध आदमी है, 38 बोतलों की उनमें कार्रवाई की जा रही है। मामले में एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और कार्रवाई करते हुए अम्बाला छावनी के गाँव मनछोंडा से एक अवैध शराब बेचने वाले को गिरफ्तार किया और उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको पुलिस के हवाले किया। एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के पास से बहुत सारी अवैध शराब की बोतलें और पेटियां भी बरामद की गई, जिस आधार पर थाना पुलिस में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है और बड़ी कार्रवाई करने के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे मीडिया चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज के साथ।